उसमें आप लोगों को पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिलेंगे एंड वी हैव अबाउट ऑल दी एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी तक 12.1 की हम बात कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट फोर क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन सो क्या बोलता है ये क्वेश्चन साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल

तो एस क्या है सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर गिवन है यहाँ से हमारा एस निकल जाएगा एस इज इक्वल टू फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाई टू दैट इज टू सेवेंटी राइट अब साइड निकालनी है उसके लिए हमें क्या गिवन है हमें रेशियो गिवन है साइड का और फाइनल uh, जो है हमारा पेरीमीटर गिवन है तो किस तरह से निकाल लेंगे लेट अस अज्यूम द साइड टू बी

टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव फोर्टी राइट तो x हमारा क्या आ गया फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी फोर इज इक्वल टू टेन तो x अगर हमारा टेन आ गया तो एक साइड ये हमारी आ गई वन ट्वेंटी ये आ गई वन सेवेंटी और ये आ गई हमारी टू फिफ्टी तो तीनों साइड हमें मिल गई हैं, s मिल गया है तो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एरिया निकाल सकते हैं कैसे सिंपली बाय पुटिंग इट इन द गिवन फॉर्मूला ठीक है तो गिवन फॉर्मूला में हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा एरिया uh, निकल जाएगा ठीक है तो ये हमारी साइड्स हमारे पास है एस हमने कैलकुलेट कर लिया है आपने अपनी नोट डाउन किया होगा नोटबुक्स पे तो एस क्या था हमारा एस वाज 270 उसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ये हमारी साइड्स आ गई और एस इज इक्वल टू टू सेवेंटी राइट तो एस माइनस ए क्या जाएगा? S minus A आ जाएगा एस माइनस ए आ जाएगा टू सेवेंटी माइनस वन ट्वेंटी बी आ गया टू सेवेंटी माइनस वन सेवेंटी इज इक्वल टू हंड्रेड और एस माइनस सी आ गया टू सेवेंटी माइनस टू फिफ्टी विच इज इक्वल टू ट्वेंटी एम आई राइट ओके तो पुट कर लेते हैं एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस क्या है एस है हमारा 270 सेवेंटी इंटू वन एस माइनस ए एस माइनस बी हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ठीक है अब यहां से हमें क्या करना है हमको निकालना है इसका अंडर रूट तो गाइज हम क्या कर सकते हैं पहले तो जीरोस काउंट कर लो जीरोस कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो चार में से दो जीरोस तो बाहर आ जाएंगे ठीक है दो जीरो हमारे बाहर आ गए और एक रह गया हमारा अंदर ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लो इसको तो ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन में से हम क्या कर सकते हैं थोड़ा यू हैव टू यू नो यू हैव अप्लाई योर माइंड तो कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी तो ट्वेंटी सेवन थ्रीजा कितना होता है एटी वन इंटू फाइव बच गया ये है ना और यहां हमारा क्या बच गया टू बच गया तो एटी वन का अंडर रूट कितना होता है नाइन और फाइव टू सा क्या होता है टेन ठीक है तो नाइन हंड्रेड अंडर रूट हंड्रेड आ गया अंडर रूट हंड्रेड क्या होता है टेन तो नाइन थाउजेंड आ गया हमारा आ, एरिया नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ठीक है तो ये हमारा एरिया आ गया तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोग ये कर सकते हो अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है आपकी चॉइस है अगर आप कैलकुलेट करके भी करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एन एन हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राएंगल अब हमको क्या गिवन है यहाँ पे टू साइड गिवन है क्या है वो दोनों ट्वेल्व सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है थर्टी सेंटीमीटर तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं थर्ड साइड कैसे निकलेगी हमारी थर्टी माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कैसे हो गया वो कि दो साइड से हमारी ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टी तो एक्स इज इक्वल टू थर्टी माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ठीक है ये आ गया थर्टी माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू सिक्स तो दो साइड हमारी आ गई ट्वेल्व और थर्ड साइड आ गई सिक्स और एस क्या आ जाएगा एस हमारा आ जाएगा थर्टी डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू फिफ्टीन तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ठीक है तो एस है हमारा फिफ्टीन राइट एस माइनस ए क्या आ जाएगा फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व दट इज इक्वल टू थ्री एस माइनस बी भी क्या आ जाएगा थ्री राइट right? और एस माइनस सी क्या जाएगा हमारा फिफ्टीन माइनस सिक्स इज इक्वल टू नाइन तो नाइन आ गया ठीक है अब क्या करेंगे एक ये नाइन हो गया और एक ये नाइन हो गया उसमें से एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया 15 तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 अंडर रूट फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा एरिया निकल गया इजी आई होप यू अंडरस्टूड ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सिंपली हमको सिर्फ फॉर्म्यूला अप्लाई करना है और ये हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो हमें कौन सी चार चीजें फॉर्मूला में चाहिए होती हैं एक एस डेट इज सेमी पेरीमीटर और कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी ये चारों चीजें या तो गिवन ना हो या कैलक्युलेट की ना जा सके ठीक है तो गाइज वी आर डन विद एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद The next exercise that is exercise 12.2. Thank you guys.